गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टॉप से इंजीनियर कुमार शर्मा, गणित के अंतर्गत कक्षा 7 आज 19 तारीख को आपके लिए कक्षा 7 में नई परीक्षा पोर्शनल स्टार्ट कर रहा हूँ। हरी माँ एवं क्षेत्रफल 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल। देखिए पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 950 मीटर और 300 मीटर है, ज्ञात कीजिए भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य हो का मूल्य 10,000 हो। देखिए आयताकार भूखंड की लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर। सबसे पहले पूछ रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्र, आयताकार भूखंड का क्षेत्र बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 500 इंटू 300 बराबर 5 3 15 1 2 3 4 मीटर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है वो कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य 10,000 रुपये, कितना है 10,000 रुपये है, इसलिए 1,50,000 मीटर स्क्वायर का मूल्य इंटू 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और 1 अरब और 50 करोड़। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320। दूसरा प्रश्न, वर्गाकार पार्क का परिमाण कितना है 320। आपको सबसे पहले लानी है वर्गाकार पार्क की भुजा, वर्गाकार पार्क की भुजा, इसका सूत्र है बच्चों परिमाप बटावा चार, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर माप की होती है। तो आपके पास 320 बटा 4 4 8 80 मीटर। वापस ही लिखेंगे, अब यह पूछा है वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है भुजा स्क्वायर, यानी कि अस्सी का स्क्वायर 864 मीटर स्क्वायर।
वर्गाकार पारक का क्षेत्र। इसी क्रम में हमारा तीसरा प्रश्न बता रहा दूसरा है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 440 मीटर है और लंबाई 22 मीटर है। ध्यान दें, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है जबकि उसका क्षेत्रफल दे रखा है अपने पास और परिमाप भी ज्ञात करना। ध्यान देंगे इधर बच्चों, तीसरा प्रश्न आपके समक्ष देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तीसरा प्रश्न, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर आपके पास है। इसी के साथ आपके पास दे रखा है आयताकार भूखंड की लंबाई 22 मीटर, आयताकार भूखंड की लंबाई 22 मीटर। सबसे पहले हमको लाना है आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो यहां देखेंगे अपन आयताकार भूखंड की चौड़ाई, सूत्र है क्षेत्रफल बटावा लंबाई। तो ध्यान देंगे इधर, आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्षेत्रफल है 440 मीटर और लंबाई है 22 44 20 इत्यादि 20। अब ये पूछ रहा है आयताकार भूखंड का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप, जो आयत का परिमाप होता है वही इसका होगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हो गई आपके पास 22 मीटर और चौड़ाई हो गई 20 मीटर, 2 × 22 = 42 = 84। यह आपका आयताकार भूखंड का परिमाप हो गया 84 मीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेमी है, उसकी लंबाई 35 सेमी है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखेंगे चौथा सवाल, आयताकार कौन सी आयताकार शीट का परिमाप कितना है 100 सेमी, आयताकार शीट का परिमाप 100 सेमी है, लंबाई 35 सेमी है, आयताकार शीट की लंबाई 35 सेमी, आयताकार शीट की चौड़ाई x मान। हम जानते हैं कि 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आयताकार शीट का परिमाप। अब यहां देखेंगे अपन, लंबाई हो गई आपके पास 35 और चौड़ाई हो गई x बराबर 100, खोलेंगे ब्रैकेट को, 35 दूनी
70 प्लस 2x बराबर 100 पक्षांतर करने पर 2x बराबर 100 माइनस 70 2x बराबर 30 और x बराबर 30 बटा 2 यानी x बराबर कितना आ गया 1500 x बराबर कितना आ गया 1500 से भी अब ये पूछ रहा है आयताकार शीट का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है आयताकार शीट का क्षेत्रफल इसका सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई लंबाई 35 थी चौड़ाई 15 है 15 पांच 75 के 5 हासिल के साथ 15 थी 45 और 7 52 इस प्रकार से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे इधर एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल एक आयताकार पारक के क्षेत्रफल के बराबर है यदि वर्गाकार पारक की एक भुजा 60 मीटर है और आयताकार पारक की लंबाई 90 मीटर है तो आयताकार पारक का चौड़ाई ज्ञात कीजिए देखिए अच्छा प्रश्न है और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है ध्यान देंगे किधर अंतिम प्रश्न है आज का हमारा पांचवा प्रश्न और आखिरी आज आयताकार पारक का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल दोनों पारकों का क्षेत्रफल बराबर है यह हमारे पास कह रहा है कि वर्गाकार पारक की भुजा 60 मीटर ध्यान देंगे इधर आयताकार पारक की लंबाई 90 मीटर वर्गाकार पारक की भुजा 60 मीटर सबसे पहले अपने को निकालना है वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल इसका सूत्र है भुजा स्क्वायर पारक का क्षेत्र 60 इंटू वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पारक का क्षेत्रफल 3600 मीटर यह आयताकार पारक का भी क्षेत्रफल हो गया जो वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल था वही आयताकार पारक का क्षेत्रफल है आयताकार पारक की आपके पास लंबाई दे रखी है तो आप लिखेंगे आयताकार पारक की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा हुआ 3600 बटा हुआ 9 9 6 36 40 आयताकार पारक की चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों 40 मीटर यही इसमें पूछ रहा है और यही आपका आंसर हुआ
इसी के साथ आज हम यहीं विराम दे रहे हैं, कल फिर इसके आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तब तक आप आज जो बताए गए प्रश्न हैं इन्हें हल कर लीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कल मुझसे पूछें, और कोई बात हो तो बता दीजिए। आपको वह सबको वर्कशीट खरीदनी है, वर्कशीट खरीद करके आपको उसको भर करके विद्यालय में दिखानी है, जांच करवानी है उसकी। जिन्होंने खरीद लिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं खरीदी है वो तुरंत प्रभाव से खरीद ले। और किसी बात की कोई समस्या कोई प्राप्त हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब कल तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों, थैंक यू।